नमस्कार, मनी गुरु की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए जारी किया है स्विंग प्राइसिंग मैकेनिज्म। अब ये स्विंग प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या है, ये समझना बेहद ही जरूरी है। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, कैसे डेट फंड के इन्वेस्टर्स को इसका फायदा होगा और कैसे बाजार के उतार चढ़ाव में जब भारी बिकवाली होती है, रिडेम्पशन होता है या खरीदे जाते हैं फंड, उसमें किसको नुकसान होता है, कैसे इस नुकसान से बचा जा सकता है, इसकी तमाम बारीकियों पर आज हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ आज जो खास मेहमान है, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। मनी फ्रंट के फाउंडर मोहित गांग हमारे साथ है। मोहित, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। हाय हाय स्वाति, थैंक यू सो मच। तो क्या खास आज के शो में हम चर्चा करने वाले हैं, जरा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम समझेंगे डेट म्यूचुअल फंड में स्विंग प्राइसिंग क्या है, स्विंग प्राइसिंग से निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा, डेट फंड में निवेश करने से पहले आपको क्या देखना है, साथ ही डेट में कितने तरह के रिस्क हैं जो आपके लिए समझने और जानने हैं जरूरी। मोहित, डेट म्यूचुअल फंड में स्विंग प्राइसिंग की आजकल काफी ज्यादा चर्चा है, जिसको सेबी ने नोटिफाई भी किया है। सबसे पहले स्विंग प्राइसिंग के बारे में हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो कुछ बदलाव है, इनको लेकर जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है निवेशकों में भी कि उनके निवेश पर इसका असर क्या पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले मैं स्विंग प्राइसिंग के बारे में आपसे समझना चाहती हूँ। जी स्वाति, थैंक यू सो मच। देखिए स्वाति, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मैं देना चाहूंगा। तो होता क्या है कि इंडिया का जो डेट मार्केट है, जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है, वो बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, उसमें बहुत डेप्थ नहीं है। इसका मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं होते हैं, राइट? अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप रेपो टी बिल्स ये सब ले रहे हैं तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, बट जब आप कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में जाते हैं तो वहां पर इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलती है। जब म्यूचुअल फंड हाउसेस डिबेंचर्स लेते हैं, सिक्योरिटाइज पेपर्स लेते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेते हैं, बैंक बॉन्ड्स लेते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में जब वो ट्रेड करते हैं तो अगर कल को उनको बेचना हो ये क्वांटिटी तो थोड़ी मुश्किल होती है। प्राइमरी इशू में वो ले तो लेते हैं इसको और काफी हद तक म्यूचुअल फंड्स उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, बट जब कभी उन्हें बीच में रिडेम्पशन की जरूरत पड़ती है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचना मुश्किल होता है क्योंकि इतने बायर्स नहीं मिलते हैं इन सब पेपर्स के, राइट? तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड के पास में बहुत बड़ा रिडेम्पशन आता है किसी दिन, तो अमूमन जितने म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, वो अपने पास में इस तरह की कैश पोजीशन रखते हैं, ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं कि वो डेली रिडेम्पशन को आराम से मीट कर पाए। तो जितना रिडेम्पशन आएगा है कि वो डेली रिडेम्पशन को आराम से मीट कर पाए तो जितना रिडेम्पशन आएगा मान लीजिए वो 5% पोर्टफोलियो अपना कैश में, ट्रेजरी बिल्स में, गवर्नमेंट पेपर्स में रखेंगे और वो इमीडिएटली उसको रिडीम करके इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस कर देंगे, बिकॉज डेट का रिडेम्पशन T+1 day में देना होता है, मतलब अगले ही दिन इन्वेस्टर्स को पैसा देना होता है। अब मान लीजिए कि कल को कुछ बड़ा क्रेडिट इवेंट हो जाए, मार्केट में कुछ बड़ी न्यूज आ जाए, जैसा कि पिछले साल मार्च के महीने में, मार्च एंड में देखा गया था 2020 में, तब अचानक से क्रेडिट मार्केट्स में ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद हो जाएगा, इकोनॉमी ठहर जाएगी और बहुत बड़े रिडेम्पशंस देखे गए फंड हाउसेस में। तो जब ये रिडेम्पशन की परसेंटेज वैल्यू जो है वो बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाती है सिंगल डे में, मान लीजिए जो डेली का थ्रेशोल्ड था वो 5% का था, ये बढ़कर एकदम से 10%, 15%, मान लीजिए 20% इन्वेस्टर्स ने रिडीम करने की कोशिश की, तो ऐसे हालात में फंड हाउस को वो पैसा अगले दिन देने के लिए एक ही दिन के अंदर में उनको बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बेचना पड़ता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट इतना डीप नहीं है, यहाँ इतने कॉर्पोरेट बॉन्ड के बायर्स नहीं मिलते हैं और जब हालात ऐसे हो जाते हैं, जब थोड़ा रिस्क आ जाए तो बायर वैसे भी भाग जाते हैं, राइट? तो ऐसे में जो बेचने वाला फंड हाउस है उसको अपनी वैल्यू को तोड़ना पड़ेगा, उसको प्राइस घिरानी पड़ेगी, तब जाके उसे बायर मिलेंगे। तो ये जो प्राइस घिरती है इससे फंड की एनएवी जो है वो इरोड होती है, फंड की एनएवी कम हो जाती है। जिस इन्वेस्टर ने रिडेम्पशन डाला वो तो अपना पैसा लेके उस दिन निकल गया, बट क्योंकि फंड हाउस ने मार्केट में डिस्ट्रेस सेलिंग किया, उससे वो जो बॉन्ड्स थे उसके पोर्टफोलियो में उसके प्राइसिंग जो थी वो बहुत गिर गई। वो प्राइसिंग अब ऑन अ रेगुलर बेसिस भी वो प्राइसिंग आपकी मार्कडाउन हो चुकी है। जो पहले मान लीजिए किसी बॉन्ड का प्राइस 100 रुपए था, वो मार्कडाउन होकर आपको अब 90 रुपए पे आ गया है। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो उस फंड में बने रहना चाहते थे
बट बिकॉज कोई बड़े इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने अचानक से पैनिक रिडेम्पशन डाला, पूरे फंड का एनएवी हिल गया, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उनके लिए फंड का एनएवी गिरकर कम हो चुका है और उनको भी अपने पोर्टफोलियो पे लॉस लेना पड़ेगा, मार्क टू मार्केट लॉस लेना पड़ेगा। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो फंड को होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, बट फिर भी बिकॉज ऑफ सच इवेंट्स उनको लॉस लेना पड़ता है। ऐसे सिनेरियोस को रोकने के लिए कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, उसको लॉस ना हो, सेबी ने स्विंग प्राइसिंग निकाली है। स्विंग प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत होता यह है कि जो रिडेम्पशन करने वाले दिन के जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है या जो इंपैक्ट है एनएवी पे, वो रिडीम करने वाले यूनिट होल्डर्स को पास कर दिया जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है बकायदा, इसमें सेबी ने पूरा फुल स्विंग नहीं इंप्लीमेंट किया है, पार्शियल स्विंग इंप्लीमेंट किया है, बट इसका सबसे बड़ा फायदा या इसकी सबसे बड़ी, अगर इसको मैं समझाना चाहूँ स्पष्ट और आसान शब्दों में, तो ये ऐसा मैकेनिज्म है जिससे रिडीम करने वाले इन्वेस्टर्स पे ट्रांजैक्शनल कॉस्ट और रिडेम्पशन के कारण होने वाली हलचल या उतार चढ़ाव का पूरा जो पास ऑन है, प्राइस का इम्पैक्ट, वो उनको पास ऑन हो जाता है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बचाया जाता है काफी हद तक। तो ये है स्विंग प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट। ओके तो मोहित, जितना आपकी बात से अब तक हम समझ पाए हैं, बहुत, जैसे एक मुहावरा कहते हैं ना, करे कोई और भरे कोई, तो कुछ ऐसा ही हम देख पा रहे थे ड्यू टू सर्टन इवेंट्स, लिक्विडिटी क्रंच की वजह से या बाजार में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, कई निवेशकों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए, लेकिन उसका खामियाजा जो बने हुए निवेशक है, मौजूदा निवेशक है, उनको बहुत ज्यादा यहां पर उठाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से सेबी ने स्विंग प्राइसिंग का ये मैकेनिज्म लागू करने का फैसला किया। कब से ये फुल फ्लेजेडली लागू होगा, ये समझना चाहेंगे आपसे। और एक जो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं निवेशकों पर, जो कि रहना चाहते हैं, वो जो बहुत जल्दी जल्दी रिडेम्पशन नहीं करते हैं या जो बने रहना चाहते हैं फंड में, और एक और बात क्लियर करना चाहते हैं कि कैसे डेट फंड्स में इसको लागू करने की बात की गई है, ये भी निवेशकों के लिए समझना जरूरी है। जी जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ स्वाति। तो देखिए, मान लीजिए किसी फंड ने एक थ्रेशोल्ड बना रखा है कि डेली बेसिस पे उस पर 5% जो वैल्यू है फंड का या 5% एनएवी के बराबर का रिडेम्पशन आ सकता है, ठीक है, तो वो फंड का एक थ्रेशोल्ड बना लिया फंड ने। अब मान लीजिए ये इसको एक स्विंग थ्रेशोल्ड बना देंगे, हर फंड हाउस, हर फंड अपनी स्कीम के मुताबिक, उसके जो रिडेम्पशन वैल्यूज है, एवरेज वैल्यूज, उसके मुताबिक एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करेगा। अब स्विंग थ्रेशोल्ड जो है, अगर इसके ऊपर रिडेम्पशन आता है, तो मान लीजिए 5% का थ्रेशोल्ड है, अचानक से किसी दिन 10% का रिडेम्पशन आता है, तो वो स्विंग थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, ऐसे केस में आपका स्विंग प्राइसिंग लागू हो जाएगा। अब ये स्विंग प्राइसिंग जो है वो कैसे काम करेगा, इसके लिए एक स्विंग इंपैक्ट निकाला गया है और उसका एक कोई फिक्स फॉर्मूला है, वो हर फंड हाउस को निर्धारित करना होगा और इसको एमफी की कमिटी में इसको चेयर करके इसे एक 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 मूल रूप से पास किया जाएगा कि किस तरह से स्विंग प्राइसिंग या स्विंग इंपैक्ट जो है वो सेट किया जाएगा। पर मान लीजिए कि कोई फंड हाउस तय करता है कि अगर 5% के इस थ्रेशोल्ड के ऊपर रिडेम्पशन आता है एक ही दिन में, तो जो एनएवी का स्विंग इंपैक्ट होगा वो 1% से एनएवी को एडजस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब मान लीजिए किसी फंड की एनएवी अगर 100 रुपए थी, तो उसको अगर 1% से इम्पैक्ट करना है, तो उसकी एनएवी जो रिडीमिंग इन्वेस्टर्स है उनको 100 की जगह 99 की दी जाएगी, 1% से उसको नीचे कर दिया जाएगा और वो जो 1% का कॉस्ट है वो उनको पास कर दिया जाएगा बेसिकली। तो ये जो स्विंग इम्पैक्ट है, ये हर फंड हाउस अपनी स्कीम्स के मुताबिक इसको इसको निर्धारित करेगा। ये स्विंग इंपैक्ट सिर्फ डाउनवर्ड में नहीं लागू होता है, ये अपवर्ड मूवमेंट में भी लागू होता है। तो मान लीजिए कभी इनफ्लोज बहुत ज्यादा आ जाए किसी स्कीम में, किसी न्यूज के कारण या किसी किसी चीज के कारण, और इनफ्लो का थ्रेशोल्ड भी अगर 5% का है और इनफ्लो अगर 10% आ जाता है एक दिन, तो इससे किसी इन्वेस्टर को फायदा नहीं पहुंचना चाहिए, तो उससे जो प्राइसिंग है उसको 1% ऊपर की तरफ भी एडजस्ट किया जाएगा, तो 100 रुपए का एनएवी 101 रुपए हो जाएगा। तो ये स्विंग इम्पैक्ट जो है वो नीचे के स्तर पर और ऊपर के स्तर पर दोनों लागू होगा, बट हालांकि इसका जो सही फायदा है वो रिडीमिंग रिडेम्पशन के टाइम पे देखने को मिलेगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, जब उनका कॉस्ट जो था या जो इम्पैक्ट जो था वो रिडीम करने वाले निवेशकों को पास कर दिया जाता है। तो 99 के प्राइस पे आपको रिडीम करना पड़ रहा है, आपको 100 का एनएवी था, आप उसके हकदार थे, बट बिकॉज ऑफ द स्विंग प्राइसिंग 1% का आपको इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा, और नहीं तो ये 1% का इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को जाता, बिकॉज वो फंड में बने हुए हैं, उनका निवेश कायम है, तो उनको इससे बचाया जा रहा है और ये 1% का इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को पास किया जा रहा है। तो ये इस तरह से स्विंग प्राइसिंग काम करेगी।
सेबी ने एक्चुअली फुल स्विंग और पार्शियल स्विंग, दो तरह के स्विंग प्राइसिंग होते हैं। अब सेबी ने इंडिया में पार्शियल स्विंग अभी शुरू किया है। फुल स्विंग में क्या होता है कि स्वाति कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता, हर रिडेम्पशन को स्विंग के नजरिए से देखा जाता है और जितना जिसका इम्पैक्ट होता है उतना रिडीमिंग इन्वेस्टर्स को पास किया जाता है। पार्शियल में सेबी ने कहा है कि आप एक थ्रेशोल्ड बनाइए, थ्रेशोल्ड के ऊपर ही इस इम्पैक्ट को लागू करिए, प्लस 2 लाख रुपए से ज्यादा जो रिडीम कर रहा है ये इम्पैक्ट उसी पर आएगा, 2 लाख से कम रिडेम्पशन अमाउंट पर स्विंग प्राइसिंग का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो फिलहाल सेबी इसे पार्शली लागू करना चाहती है, देखना चाहती है कि किस तरह से चलता है ये और किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसके बाद शायद हो सकता है इसे आगे जाकर और ट्वीक किया जाए। हमने देखा है, प्लीज इस पे आप एक्सप्लेन भी कीजिएगा मोहित, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर ऑलरेडी ये मैकेनिज्म इन प्लेस है, पहले से ही स्विंग प्राइसिंग मैकेनिज्म हम देखते हैं। हाँ, जो इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट है वहां पर इसे पहली बार लागू किया है, जैसे आपने कहा है कि अभी पार्शली इसे लागू किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कैसे ये वर्किंग है और उसके बाद इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। लॉन्ग टर्म में किस तरीके का इम्पैक्ट एक देखा जा सकता है, इससे क्या इम्पैक्ट हम समझेंगे? जी स्वाति, डेवलप कंट्रीज मोस्टली यूएस यूरोपियन मार्केट्स में स्विंग प्राइसिंग काफी टाइम से लागू की जा चुकी है, बिकॉज ग्लोबली डेट मार्केट्स जो होते हैं वो कम लिक्विड होते हैं इक्विटी मार्केट्स की तुलना में। इक्विटी मार्केट्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज अगर आप एक छोटा स्मॉल कैप फंड भी चला रहे हैं तो उसमें काफी हद तक आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप का रहता है, कुछ अच्छे स्टॉक्स रहते हैं जो लिक्विड होते हैं और आप फिर भी अपने पोर्टफोलियो को लिक्विड कर पाते हैं, और वहां पर रिडेम्पशन विंडो भी 3 दिन का होता है तो इतनी अर्जेंसी नहीं होती, आपके पास टाइम होता है रिडीम करके पैसा इन्वेस्टर्स को वापस देने का। डेट फंड में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हर तरफ, बिकॉज डेट मार्केट्स इतने डीप नहीं होते हैं और काफी ट्रेड जो होता है उनका ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर होता है, वो एक्सचेंज पर नहीं होता काफी चीजों का ट्रेड, राइट? तो ग्लोबल मार्केट्स में काफी टाइम से चल रहा है। सेबी इसे धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चाहती है इंडिया में, बिकॉज एकदम से बहुत बड़ा चेंज नहीं भी करना चाहें, पहले देखना चाहेंगे कि किस तरह से किस इवेंट्स में ये ट्रिगर होता है, राइट? तो इसकी ट्रिगर की भी बहुत सारी कंडीशंस होंगी। एमफी इसे ट्रिगर कर सकता है किसी पर्टिकुलर मार्केट इवेंट पे, फंड हाउसेस खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस दिन स्विंग प्राइसिंग लागू करना है जब उन्हें लगता है कि आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ है फंड में या कुछ ज्यादा फ्लोज आए हैं कम फ्लोज आए तो वो लागू कर सकते हैं, और सेबी खुद भी ये कॉल ले सकता है कुछ बड़े मार्केट डेज पे जब उन्हें लगता है कि मार्केट में आज कुछ ज्यादा ही हलचल रही है, तो सेबी खुद भी बोल सकता है कि आप आज इसे इंप्लीमेंट करिए और इसे लागू करिए। तो काफी दिन इसे लागू किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि किस तरह से इसका प्रयोग हो रहा है, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम फुल स्विंग प्राइसिंग पर जाएंगे। निवेशकों के हिसाब से, खासतौर से रिटेल निवेशकों के हिसाब से, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। डेट मार्केट की जो कॉस्ट होती है स्वाति, जो एक इन्वेस्टर बना रहता है 3 साल 5 साल, उस पर काफी ज्यादा रिडेम्पशंस जो दूसरे लोग करते हैं उसकी कॉस्ट उस पर पास ऑन होती है और एनएवी इंपैक्ट उन्हें काफी झेलना पड़ता है। तो जो लॉन्ग टर्म रिटेल निवेशक है जो कि बना रहना चाहता है एक फंड के अंदर में सेफ्टी के लिहाज से, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा और सही कदम है।